कॉन्क्योर मीन्स होता है जीतना होता है। कॉन्क्योर मीन्स क्या होता है? जीतना होता है। क्या मतलब होता है इसका? जीतना होता है, विन कर लेना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी विन, विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आठवें नंबर क्वेश्चन को बताओ, व्हाट डू एम्परर यूजली नॉट डू? बताइए, व्हाट डू द एम्परर यूजली नॉट डू? एम्परर क्या नहीं करते हैं? विजय देव संत, संत के पास विजिट नहीं करते, रूल एंड एम्पायर करते हैं, रोमिंग रेस्टलेसली या फिर बो टू स्टैंड। क्या आया था करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? बिल्कुल, आपको बिल्कुल ये वाली लाइन कौन सी आई थी? रोम रेस्टलेसली, जो संत होते, जो एम्परर होते हैं वो व्याकुल होकर के पूरी दुनिया में घूमते नहीं है, जो एम्परर होते हैं वो एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया पे क्या करते हैं? अपना साम्राज्य करते हैं, या फिर वहां पे बैठ करके अपना शासन को चलाते हैं। अगली बात देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन एम्परर? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन एम्परर? एम्परर किस चीज को नहीं डिस्क्राइब करते हैं? ए रूलर, ए किंग, ए एम्प्लॉय या फिर कॉन्क्यूर? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बात लिख रखी है यहाँ पे, किंग, कॉन्क्यूर, ये तो डिस्क्राइब किया ही गया है यहाँ पे, एम्प्लॉय को किसी नहीं डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो आगे, हार्ट ऑफ पीपल कैन बी वोन बाय? हार्ट ऑफ पीपल कौन जीतेगा? लव से, मौन से या फिर पावर से या फिर स्वर्ड से? बताइए, हार्ट किससे जीता जाएगा? आपकी ये बातें अभी आपकी आई थी, हर्ट किससे जीता जाएगा? नाइन का आपने बिल्कुल, आपका सही आंसर है। टेन का बताइए जल्दी, इस फटाफट टेन का बताइए। बिल्कुल आपकी ये लास्ट बात आई थी कि प्यार से इस हर्ट को, आपके दिलों को कैसे जीता जा सकता, प्यार करके ही जीता जा सकता, यही बात आपकी कही थी। क्योंकि दुनिया को जीत लेना कोई वो नहीं होता, क्योंकि आपको क्या करना है कि दिलों को जीतना, यही बात संत ने कही थी कि नहीं कही थी? तो क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ए, विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? ये तो हमारा पैसेज हो गया जो 5 नंबर का आपका आता है। यहाँ पे 1 मार्क्स का 1 ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, वहां पे सैनिक स्कूल के अंदर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब आगे हमारे पास में चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्वेश्चंस आगे, अब इनके आंसर हमें बताने हैं। ठीक है, तो अब बताइए, फर्स्ट नंबर पे आंसर को बता दीजिए। डैश वाज द 12, डैश वाज द 12, आई लेफ्ट माई विलेज। अब बता दो, वेयर, वेन या फिर व्हाई या फिर हाउ, किसका जवाब मिल रहा है? अविनाश जी क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल आपके करेक्ट ही आंसर हैं। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल कहा, वेयर आई 12, जब मैं 12 साल का था आई लेफ्ट माई, जब से मैंने क्या कर दिया था, अपने विलेज को छोड़ दिया था। करेक्ट आंसर विल बी वेन का जवाब मिल रहा है। डोंट टॉक ऑन मोबाइल, डोंट टॉक ऑन मोबाइल डैश ड्राइविंग, किसी एक्शन के दौरान के लिए किस शब्दों का यूज करते हैं? किसी भी एक एक्शन के दौरान किस शब्दों का यूज करते हैं हम? व्हाई का, वेयर का, व्हाट का? हमारे सामने एक ही बस आया, क्या आएगा? बिल्कुल आपने कहा, व्हाइल का मतलब ये होता है कि व्हाइल का मतलब होता है जब कोई एक्शन हो रहा होता है, जब एक कोई एक्शन हो रहा होता है उसके दौरान कोई दूसरा एक्शन हमारा कंटिन्यू होता है। बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ पे कह, डोंट टॉक व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान आपको क्या नहीं करना है कि फोन का यूज नहीं करना। ये आपके रूल, सेफ्टी के वाले रूल के अंदर आते हैं। आपने ट्रैफिक रूल्स में आपने ये पढ़ा भी होगा कि आपको ट्रैफिक के अंदर जब आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो आपको फोन का यूज नहीं करना है। आगे बताएं, आई ओपन द विंडो, बताइए, आई ओपन द विंडो डैश इट वॉज वेरी हॉट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई ओपन द विंडो डैश इट वॉज हॉट, क्या होगा यहाँ पे? अगर देखने का काम करोगे, ये तो हमारी स्टेटमेंट लिखी, और ये क्या लिख रखा है? रीजन लिख रखा है। क्या लिख रखा है इसका? रीजन लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ पे? रीजन। तो रीजन के लिए हम किसका यूज करते हैं? रीजन, किसी कारण के लिए आपका क्या यूज करते हैं? बिल्कुल आपके 13 का क्या आ जाएगा? ए, ए नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ए नहीं होगा अविनाश जी। यहाँ पे आई ओपन द विंडो बट इट वॉज हॉट, लेकिन यहाँ पे नहीं, रीजन सही दे रखा है। आई ओपन द विंडो क्योंकि वहां पे क्या था, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्म थे, इस वजह से हमने विंडो को खोल दिया। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रीजन यहाँ पे बताया गया। बिल्कुल आपने पुल के जी सही लिखा है कि डी विल बी करेक्ट आंसर।
ही ऑलवेज सो नाइस डैश हिज पेरेंट्स, क्या आएगा इसके साथ में बताइए? प्रपोजिशन क्या आएगी यहां पर नाइस के साथ में, क्या आएगी? बी ही वाज, देखो टू तो आ ही नहीं सकता, टू हिज पेरेंट्स, कोई गलत बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे टू के साथ ये तो एडवर्ब आ गया, ये तो नाइस एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब तो कभी आ ही नहीं सकता है, प्रपोजिशन की जरूरत। ही इज ऑलवेज सो नाइस टू हिज पेरेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हिज पेरेंट्स, प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा, ठीक है।